Hello guys, welcome back to the channel YouTube Demystified, and again, once again, thank you so much for all your lovely comments. I read them all, I reply and react to them all. Thank you so much for all your comments, and I'm very happy to know ki mere videos aapko bahut zyada help kar rahe hain. So guys, keep watching, share, like, subscribe and keep commenting. So let's continue with our painting class 11 syllabus, and now let's come to the fourth chapter, the postmodern trends in Indian art and architecture. तो हमने अभी तक मॉडर्न पीरियड तक पढ़ लिया. वी आर मूविंग अप द टाइम स्केल. वी हैव ऑलरेडी कवर द प्री हिस्ट्री, इंडस वैली और मॉडर्न आर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब हम मॉडर्न्स के बाद पढ़ रहे हैं सेकेंड सेंचुरी बीसी. तो मॉडर्न का टाइम पीरियड हमने देखा था कि अराउंड 600 बीसी था, एंड उसके बाद यू नो उसका धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, एंड देन आफ्टर द डिक्लाइन एंड ऑल सेकेंड सेंचुरी बीसी तक अब थोड़ा सा शिफ्ट हुआ टू अदर एम्पायर्स, द शुंगास, कानवास, कुशानास, गुप्ताज और साउथ में सतवानास, इश्वकूज, अभिराज, वकटकास एंड ऑल दीज प्लेसेस. तो अब सेकेंड सेंचुरी बीसी में ज्यादातर ब्राह्मणिकल सेक्ट्स जैसे वैष्णव और शिवास, तो वैष्णव और शिवा की भक्ति का मतलब वो स्टार्ट हुआ एज सेक्ट स्टार्ट हुए, मतलब स्टार्ट नहीं हुए बट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, एंड इसी वजह से इनके बाद हमें बहुत ज्यादा विष्णु एंड शिव इनकी सबकी स्कल्पचर्स वगैरह इन मतलब हिंदू रिलेटेड स्कल्पचर्स हमें बहुत देखने को मिलता है. और दे आर एग्जाम्पल्स इन विदिशा, भरूच, भरूट एंड विदिशा बोथ आर इन मध्य प्रदेश, बोध गया. And okay, if you have watched or if you know anything about Mahabharat or Ramayana, I won't give you a direct hint, but in dono epics agar aapne padhi hai, so Vidisha holds a special place in dono mein se kisi ek epic mein, and it is related to one of the characters. How and why, go and find out. Anyways, let's move, because ye choti choti tips we should know about these are really good for our general knowledge. Anyways, तो बोध गया एंड जगह पीटा, मथुरा, खंडगिरी, उदयगिरी, भाजा, पावनी, नागपुर वगैरह, इन जगहों पर हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिले. अब भरूट, भरूट स्कल्पचर्स जो है वो बहुत ही टॉल है, यक्ष की इमेजेस, जैसे हमने यक्ष यक्षिणी का पिछले चैप्टर में मॉडर्न में देखा था, द यक्षिणी फ्रॉम दीदारगंज एंड द यक्ष एट परखम. तो मॉडर्न पीरियड में जो यक्षिणी की टॉल बनती थी उसी तरीके से है. और मॉडलिंग ऑफ द स्कल्पचर वॉल्यूम इज इन लो रिलीफ मेंटेनिंग लीनियरिटी. अच्छा, अब आई थिंक ये हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, व्हाट इज लो रिलीफ एंड व्हाट इज हाई रिलीफ. देखिए, लो रिलीफ और हाई रिलीफ का जो होता है वो बेसिकली कार्विंग और 2D 3D पे डिपेंड करता है. सो इफ वी से समथिंग इज हाई रिलीफ मतलब उसमें पूरी चारों तरफ से 4D मतलब पूरी ऑल ओवर उसमें प्रॉपर कार्विंग होती है, बिल्कुल हर तरफ से आप उसको देख सकते हो. एंड लो रिलीफ जो होता है वो एक तरीके से प्लेन सा पीछे स्लैब होता है, मतलब उसके ऊपर उसको कार्व करके बनाया जाता है. जैसे कि इफ यू रिमेम्बर द सील्स ऑफ द इंडस वैली, तो वो लो रिलीफ थे. क्यों? क्योंकि वो एक मतलब एक साइड से वो प्लेन थे, सिर्फ एक साइड उसमें कार्विंग की गई थी. तो लो रिलीफ इज कि मतलब हाई रिलीफ इज 3D एंड लो रिलीफ इज 2D एंड 3D. ओके, तो भरूट में नैरेटिव पैनल दिखाए गए हैं जिसमें कैरेक्टर्स बहुत कम है, लेकिन स्टोरी के फॉर्म में वो दिखाया गया है कि मेन कैरेक्टर के अलावा बाकी कैरेक्टर्स को भी पिक्चर में दिखाया गया है. ऐसा नहीं सिर्फ मेन कैरेक्टर की बात की जा रही है, अदर कैरेक्टर्स भी बनाए गए हैं, उनको भी स्पेस दी गई है. एंड मोर देन वन इवेंट एट वन ज्योग्राफिकल प्लेस इज क्लब्ड इन द पिक्चर स्पेस. मतलब कई बार तो ऐसा भी कि एक ही पिक्चर के स्पेस में एक से ज्यादा इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं, एक से ज्यादा चीजें एक ही टाइम पे एक ही स्पेस पे दिखाई जा रही है. ओके, तो अच्छा, अब स्पेस की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम यूटिलाइज करी जाती है, जितनी स्पेस अवेलेबल है उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाता है प्रॉपरली. तो हमें यक्ष यक्षिणी के हाथ जोड़ते हुए फोल्ड करे हुए भी दिखाए गए हैं, आर शोन फ्लैट क्लिंच इन टू द चेस्ट, बट कुछ केसेस में जैसे कि बाद में थोड़ा सा लेटर ऑन आफ्टर हैंड्स जो है वो नेचुरल प्रोजेक्शन अगेंस्ट द चेस्ट वगैरह, मतलब बहुत ही अलग अलग तरीके से हैंड की पोजिशन वगैरह भी दिखाई गई है उसमें, रियालिटी उसमें नेचुरलिज्म लाने के लिए. और सच एग्जाम्पल शो हाउ दैट आर्टिसंस हु वर वर्किंग एट अ कलेक्टिव लेवल हैड टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ कार्विंग. तो इन चीजों से क्या पता चलता है, मतलब कि किस तरीके से कार्व करना है, हाथ की पोजिशन कभी ऐसे है कभी वैसे है, उनके मसल्स, हाथ का शेप कैसा लेना है, एवरीथिंग और बाद में फिर मतलब ह्यूमन बॉडी और बाकी फॉर्म स्कल्प किए गए हाथ के बाद और इन सब के बाद. तो क्योंकि कार्विंग शैलो होती थी इस वजह से
हाथ और फीट का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं था, तो फोल्डेड हैंड्स एंड ऑकवर्ड पोजिशन ऑफ द फीट, तो एक तरीके से देयर इज अ जनरल स्टिफनेस इन द बॉडी एंड आर्म्स, बट ग्रेजुअली सच विजुअल अपियरेंस वॉज मॉडिफाइड बाय मेकिंग इमेजेस विद डीप कार्विंग्स, प्रोनाउंस्ड वॉल्यूम एंड अ वेरी नेचुरलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, स्कल्पचर्स एट भरूट, बोध गया, साची स्तूपा टू, जगपेटा आर गुड एग्जाम्पल्स। तो शुरू शुरू में देखिए बहुत ही लो कार्विंग, यहाँ पे हमें लो रिलीफ कार्विंग दिख रही है, बहुत ज्यादा कार्विंग नहीं है, बहुत थिन और मतलब सुपरफिशियल टाइप कार्विंग है, और फिर बाद में थोड़ा सा हमें डीप कार्विंग भी देखने को मिलती है लेटर टाइम्स में। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं मतलब यू नो जगह पेटा भरूट पे बोध गया में, ये इन्हीं उसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके द अदर इवेंट इज द ओके अच्छा नरेटिव रिलीज एट भरूट शो हाउ आर्टिसंस यूज अ पिक्टोरियल लैंग्वेज वेरी इफेक्टिवली टू कम्युनिकेट स्टोरीज। तो जैसे कैसे स्टोरीज कम्युनिकेट किया जाता था, जैसे कि क्वीन माया देवी जो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की मदर थी, वो कैसे एक सपना देख रही है और उस सपने में वो क्या क्या चीजें देख रही है, तो यहाँ पर देखिए उसको इस तरीके से यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है कि एलिफेंट जो है वो टॉप पे दिखाया गया है। ओके तो रिक्लाइनिंग मतलब जो मदर है उनकी वो बेड के ऊपर लेटी हुई है और एलिफेंट जो है वो उनकी वूम्ब की तरफ आते हुए दिख रहा है, तो मतलब जैसे कि बुद्धा को एज दिखाया गया कि कितने मेजेस्टिक से एनिमल एलिफेंट थे वो, जो फिर बाद में जाके उनके वूम में आ गए। दूसरी तरफ बहुत ही सिंपल सी जाटक स्टोरी के बारे में बताया गया है जिसमें एक ही लोकेशन पे बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, देखिए एनिमल्स वगैरह ये सब चीजें, हंटिंग भी हो रही है पीछे, यहाँ पे हैंड फोल्ड करके भी खड़े हुए हैं एनिमल्स, भाग भी रहे हैं कुछ, इस तरफ भी आ रहे हैं कुछ, मरे हुए भी है, तो बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे क्लब करके दिखाई गई है। ओके एक और इवेंट है सेम पिक्चर में जिसमें दिखाया गया है कि किंग जो है वो उनकी आर्मी के साथ खड़े हैं जो एक डियर की तरफ वो कर रहे हैं, एंड देखिए नरेटेड बाय स्टोरी लाइक डिपिक्शन ऑफ रूरू जातक पर, तो बोधिसत्व डियर इज रेस्क्यूइंग अ मैन ऑन हिज बैक, तो एक बोधिसत्व डियर है जो कि ये जो कि एक आदमी को अपने बैक के ऊपर रेस्क्यू कर रहा है, एंड फिर दूसरी तरफ एक राजा है जो उसकी आर्मी के साथ किसी डियर को शूट मतलब एनिमल को शूट भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो एक साथ अलग अलग चीजें हो रही है। नाउ दे मे बी फ्रॉम द सेम टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम के भी हो सकते हैं, बट एक ही पिक्चर स्पेस में मतलब एक स्पेस का पूरा यूटिलाइजेशन, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ना है। ओके तो ये स्टोरी इसकी कैसी थी कि मैन ने डियर को प्रॉमिस करा था कि जब वो उसको बचा लेगा तो वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बताएगा नहीं, मतलब कि मैन कहता है कि उसके बचा लेने के बाद डियर उसको बचा लेगा तो मैन उस डियर के बारे में किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जब किंग ऐसा बोलते कि जो भी उस डियर की आइडेंटिटी के बारे में बताएगा उसे बहुत बड़ा सा इनाम मिलेगा, तो वो आदमी जो है वो जाके बता देता है कि अच्छा मैंने ऐसे ऐसा हिरण देखा था जंगल में, वही हिरण जिसने उस आदमी की जान बताई थी। तो ये जो है ये स्टोरी स्तूपा के डेकोरेशन का पार्ट बन जाती है, और जैसे जैसे स्तूपा का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो इस तरीके से बहुत सारी स्टाइलिस्टिक वेरिएशन जो है वो हमें दिखने लगे। तो इन सभी जैसे कि एक एक तो सिमिलैरिटी भी होती थी कुछ कुछ में, जैसे कि सभी मेल इमेजेस थी जो थी फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीसी की इज द नॉटेड हेडगेयर, नॉटेड हेडगेयर मतलब सिर के ऊपर इस तरीके से पगड़ी टाइप बनाई हुई दिखती थी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये नॉटेड हेडगेयर, ये देखिए हेड के ऊपर किस तरीके से नॉट के उससे कुछ बांधा गया है बनाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग उनकी स्टडी करते हैं, और कुछ जो है वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में भी कुछ स्कल्पचर्स हमें दिखते हैं जो कि भरूट में मिले थे, वो वहां पर डिस्प्ले करे हुए हैं। नाउ वी कम टू द स्टडी ऑफ द स्तूपास, हमने इसके पहले वाले चैप्टर में बहुत ब्रीफ पढ़ा था, तो अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि इसके पहले चैप्टर में पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ स्तूपा मतलब स्तूपास के ऊपर था, तो वो पैराग्राफ हम ऑलरेडी इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं। सो द कोर्स ओवरऑल इज वेरी लेस, बहुत कम कोर्स है, कहीं कई जगहों पर रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से कोर्स और ज्यादा कम हो जाता है। द नेक्स्ट फेज ऑफ स्कल्पचर डेवलपमेंट, अब ये सब स्कल्पचर्स तो ठीक है हमें दिखने मिले, अब अगला फेज आया वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास, साची स्तूपा वन, मथुरा में, वेंगी, ये सब अलग अलग जगह हैं जहां पे ये स्तूपास का कंस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, अब साची पे जो स्तूपा है उसमें दो प्रदक्षिणा पथ है, प्रदक्षिणा पथ मतलब जिनके हम सर्कल लेते हैं, जिनकी प्रदक्षिणा करते हैं, ओके जिसके अराउंड हम घूमते हैं, तो दो, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये रहा एक ऊपर प्रदक्षिणा पथ, ये जो आप जिससे अंडा के आसपास घूमेंगे, और ये रहा दूसरा प्रदक्षिणा पथ जिसके आप पूरे स्तूपा के एक साथ घूमेंगे। ओके इसके बाद अब हम साची स्तूपा की स्टडी कर रहे हैं। ओके यहाँ पे इसके बाद फोर गेटवेज हैं जो फोर डायरेक्शंस को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट वेस्ट इस तरीके से फोर गेटवेज बनाए गए हैं. ओके, एंड दीज आर नोन एज तोरण्स, जो कि बुद्धा की लाइफ के वेरियस इवेंट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका हिस्ट्री भी एज अ सब्जेक्ट है क्लास 11th 12th में, तो 11th का ये जो चैप्टर है इसमें स्तूपा के कुछ स्टडीज, स्तूपा के गेटवेज पे जो बुद्धा की स्टोरी, लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया है, वो कुछ जो है वो हम हिस्ट्री में भी हमारे चैप्टर 3 और 4, आई थिंक चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ने वाले. तो हम देख रहे हैं कि अभी तक चैप्टर 1 2 3 ऑफ द पेंटिंग एंड चैप्टर 1 2 3 ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री, ये चार चैप्टर अभी तक तो बिल्कुल साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहे हैं, एक ही बिल्कुल टॉपिक पे बनाए गए. थोड़ा सा कंटेंट हिस्ट्री में ज्यादा है क्योंकि वो आर्ट के साथ साथ बाकी चीजों पे भी फोकस कर रहा है. ओके, तो फिगर कॉम्पोजिशन हाई रिलीफ में, हाई रिलीफ मतलब बहुत ही डीप कार्विंग है. अगर यहाँ पर एग्जाम्पल है तो ये देखिए, दिस इज, अब आप कंपेयर कीजिए, एक इसको कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए मतलब, एंड इसको कंपेयर कीजिए, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत लो रिलीफ है, बहुत ही प्लेन सा दिख रहा है, और उसके कंपैरिजन में ये या ये काफी ज्यादा हाई रिलीफ है. तो अब जो गेटवेज पे भी जो डिपिक्शन है, जो कार्विंग की हुई है, बहुत ही हाई रिलीफ में है, बहुत ही रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक होती जा रही है स्टेप बाय स्टेप. ओके, एंड रिजिडिटी जो इसके पहले थी, हम देखते हैं कि बॉडी में जो एक स्टिफनेस दिखाई जाती थी हाथ और पैर में क्योंकि जगह की कमी होती थी, वो इस चीज में और कम होती जा रही है, और फ्लोई कर्व बढ़ता जा रहा है. देखिए मूवमेंट सा दिख रहा है इनकी बॉडी में, एक पैर ऊपर हाथी का, सूंड कर्व्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एलिफेंट एक्चुअल में मूव कर रहा है. कार्विंग टेक्निक्स और ज्यादा भी इन्हांस्ड होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है. सिंबल्स अगेन, अब अभी तक बुद्धा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज कंटिन्यू है. बोधी ट्री दिखा देंगे, स्तूपा दिखा देंगे, या फिर उनके दो पैर दिखा देंगे, या वो व्हील दिखा देंगे, इस तरीके से बुद्धा को यहाँ पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता था. ओके, तो ये जो है जैसे कि द डिपिक्शन ऑफ द ड्रीम एपिसोड रिमेन्स वेरी सिंपल, शोइंग द डिक्लाइनिंग इमेज ऑफ द क्वीन एंड द एलिफेंट एट द टॉप. तो हिस्टोरिकल नैरेटिव सच एज़ सीज ऑफ कुशीनारा, बुद्धा विजिट टू कपिलवस्तु, विजिट टू, तो ये सब चीजें मतलब ये यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे अलग अलग अशोका कपिलवस्तु गए, मतलब बुद्धा कपिलवस्तु गए, या अशोक राम ग्राम गए, राम ग्राम स्तूपा उन्होंने विजिट किया, ऐसे अलग अलग स्टोरीज को किस तरीके से स्तूपा में इंक्लूड किया गया. सो दिस इज ऑल दैट वी स्टडीड अबाउट द सांची स्तूपा. अच्छा, आपको यहाँ पे यू हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, वॉट ऑल दीज आर कॉल्ड, छत्र, दिस इज द छत्र, जो अपर पोर्शन, जो तीन छत्र, तीन प्लेट्स टाइप आप समझ लीजिए. देन दिस इज द हर्मिका, देन दिस इज द सर्क्यूलर पोर्शन इज द अंडा, ये जो बालकनी टाइप है दिस इज द प्रदक्षिणा पाथ, एंड दीज आर द तोरण. ओके, द फोर गेटवेज, ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है मेधी, एंड दिस इज द वेदिका, ये जो सबसे आउटर बालकनी जैसे आप कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द वेदी, वेदिका, सॉरी. ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, स्तूपा की स्टडी आपको पता होना चाहिए. मथुरा सारनाथ एंड गांधार स्कूल्स, अब फर्स्ट सेंचुरी सी मतलब 100 CE से हम, अब 0 BC के बहुत ही क्लोज है. अगर 100 CE की बात करें तो फ्रॉम टुडे इट इज 2100 years ओल्ड, तब से गांधार जो कि अभी पाकिस्तान में है, मथुरा तो हम सब जानते ही, और आंध्र प्रदेश में जो वेंगी है, वो आर्ट प्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने. यहाँ पे आर्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगा, गांधार स्कूल की बहुत सारी स्कल्पचर्स जो है अभी भी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में पड़ी हुई है, मतलब पड़ी नहीं हुई है, बट इट इज डिस्प्लेड और डिस्प्लेड देयर, हम जाके देख सकते हैं गांधार स्कूल की. एंड समवेयर गांधार स्कूल जो था वो ग्रीक आर्ट से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड भी था. ठीक है, बुद्धा को अब 100 सेंचुरी से मतलब 100 CE से बुद्धा को अब सिंबल से एक ह्यूमन फॉर्म दिखने लगा. ठीक है, आगे हमें यहां पर ये देखिए, बुद्धा को अब एक ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट करा जाने लगा. ओके, गांधार का जो स्कल्पचर ट्रेडिशन था, उसका बाक्ट्रिया, पार्थिया और लोकल गांधार ट्रेडिशन, उसका उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है यहां पर. बाक्ट्रिया, पार्थिया, ऑल दीज आर ग्रीक प्लेसेस. द लोकल स्कल्पचर ट्रेडिशन मथुरा पे जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, कि वही ट्रेडिशन जो है वो और ज्यादा स्प्रेड हुआ, मतलब मथुरा का जो लोकल ट्रेडिशन था, जो स्टाइल था, फॉर्म था, या जो आर्ट वर्क था, वो बहुत काफी ज्यादा फेमस और स्प्रेड हो गया. तो बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड इज स्तूपा स्कल्पचर्स फाउंड एट द संघोल इन पंजाब. तो पंजाब के संघोल में जो स्तूपा स्कल्पचर है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो कितना स्प्रेड हुआ, मतलब मथुरा विच इज इन यूपी, वहां से स्प्रेड होते होते वो पंजाब तक पहुंच गया. जो बुद्धा इमेज है मथुरा की, वो यक्ष इमेज के उस पर ही मॉडल की हुई है, मतलब जैसे यक्षा को बनाया जाता था, उसी तरीके से बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में बनाने लगे.
ओके, तो वेर एज इन गांधार इट हैज हेलेनिस्टिक फीचर्स. अब आप देखिए, मथुरा में जो थी वो एंशियंट इंडिया से, मतलब वो अपने इंडिया में पास्ट में जो यक्षिणी बनाते थे उससे इंस्पिरेशन ले रहे थे, जबकि गांधार स्कूल में जो प्रोड्यूस होती थी वो हेलेनिस्टिक फीचर्स. ना हेलेनिस्टिक मतलब हेलेन, ग्रीक, ग्रीस, मतलब ग्रीक फीचर्स का उसमें इंक्लूजन हमें गांधार में देखने को मिलता था. तो बुद्धा के साथ साथ हमें जैन तीर्थंकर की बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते थे, विच आर ऑल केप्ट इन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. यू कैन ऑलवेज विजिट एंड सी ऑल ऑफ दीज इन रियल लाइफ. वैष्णव यानी विष्णु और शिवा के इमेजेस भी हमें मथुरा वगैरह पे देखने को मिलते हैं, लेकिन बुद्धा और मतलब जैन के स्कल्पचर्स काफी ज्यादा लार्ज नंबर में है एज कंपेयर टू विष्णु एंड शिवा. ओके, अब विष्णु और शिवा की इमेजेस उनके वेपन्स, जैसे कि शिव का वो त्रिशूल हो गया या विष्णु का वो चक्र हो गया उनके हाथ में, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता था. जो कार्विंग्स थी उसमें हमें एक बोल्डनेस देखने को मिल रही है, एक फर्मनेस देखने को मिल रही है, काफी वॉल्यूमिनस होते जा रहा है अभी ये. ओके, एंड यू नो फेसेस आर राउंड एंड स्माइलिंग, स्कल्चरल वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, एंड हेवीनेस इन द स्कल्चरल वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू रिलैक्स्ड फ्लैश. तो पहले जैसे हमने यक्षिणी भी देखा था दीदारगंज का, हर ब्रेस्ट वर रियली ह्यूज एंड एब्डोमेन वाज वेरी बल्की एंड ऑल, तो वो चीज अब कम करी जा रही है. अब आप इसको कंपेयर करें और दीदारगंज की यक्षिणी को कंपेयर करो, देयर इज अ वेरी नोटेबल डिफरेंस हियर. ठीक है, इनके फॉर्म में, फिगर में, बहुत कुछ उनका फ्लैश स्किन का जो है वो कम रिलैक्स होते जा रहा है, बहुत ज्यादा फर्म या प्रोजेक्टेड बाहर निकलते हुए ऐसा नहीं है. गारमेंट बहुत ही क्लियरली हमें दिखने को मिल रहे हैं बुद्धा की जो जो है, जैसे कि बुद्धा की वो कैसे लेफ्ट शोल्डर को और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे एक शॉल करके उसको कवर किया जा रहा है. ओके, बुद्धा यक्षि यक्षिणी की जो इमेजेस है, शैववीट और विष्णुवीट, मतलब शिवा और विष्णु की जो डीटीज वगैरह है वो बहुत ही ब्यूटीफुली स्कल्प्ट किया गया है. सेकेंड सेंचुरी सीई में क्या था कि मथुरा की जो इमेजेस थी वो सेंशुअल हो गई. और फ्लैशियर हो गई, थोड़ी बल्की टाइप सी हो गई, और वो ट्रेंड जो है वो फोर्थ सेंचुरी सीई में भी कंटिन्यू रहा. अब हम लोग पार कर गया, अभी हम लोग बीसीई की बात कर रहे थे, अब हम लोग सीई की बात कर रहे हैं. तो सेकेंड सेंचुरी एंड फोर्थ सेंचुरी मतलब 200 CE, 400 CE, तो अभी हमारा सीई वाला ईयर चल रहा है. अभी इट इज करंटली 2023 CE. ओके, तो अब हम सेकेंड एंड फोर्थ सेंचुरी सीई की बात कर रहे हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब उसके बाद फोर्थ सेंचुरी के बाद क्या हुआ. पहले फ्लैश उनका बहुत ही राउंड और प्लम्प सा दिखाया जाता था, अब बॉडी ज्यादा फर्म हो गई है. ठीक है, जैसे दिस इज थर्ड फोर्थ सेंचुरी एंड दिस इज फिफ्थ सिक्स सेंचुरी, तो इसमें जो है इसमें तो फिर भी इतना नहीं दिख रहा है, बट स्टिल द फेस इज काइंड ऑफ प्लम्प राउंड, जैसे कि एक थिकनेस सी दिख रही है. एंड इसमें हम देखते हैं बॉडी काफी वर्कड आउट सी लग रही है, वेरी फर्म सी लग रही है. सो दिस वाज अ डिफरेंट आफ्टर द फिफ्थ सेंचुरी सी. अगर आगे भी होगी सो वील सी मोर ऑफ इट. ओके, ड्रेपरी हमें दिख रही है, ट्रांसपेरेंट क्वालिटी उसकी दिख रही है कि कैसे वो ड्रेप जो है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं, क्योंकि हमें इसकी बॉडी के पार्ट्स अंदर से देखने को मिल रहे, मतलब काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा है. मथुरा बहुत लंबे टाइम तक एक आर्ट प्रोडक्शन का सेंटर बना रहा है, वहां पे बहुत ही फेमस ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स प्रोड्यूस होने जाने लगे. सारनाथ, कौसंबी, वो भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स बने आर्ट प्रोडक्शन के. बुद्धा की बहुत सारी इमेजेस जो सारनाथ में, उनकी बहुत ही ट्रांसपेरेंट सी ड्रेपरी है जो कि दोनों शोल्डर्स को कवर करते हुए दिखाई जा रही है, और बहुत ही कम ऑर्नामेंटेशन है उसके कंपेरिजन में, कि मथुरा के जो बुद्धा है उसमें ड्रेपरी के फोल्ड और वगैरह ये सब चीजें, बुद्धा के सिर के अराउंड एक हेलो, ये इसको कहा जाता है हेलो, जो हम दिखाते हैं ना कि जैसे लाइट शाइन कर रही है, वो चीज जो है मैं वो मथुरा के सेंटर्स में कंटिन्यू दिखती है दिखना. ओके, तो मथुरा, सारनाथ, वाराणसी और न्यू दिल्ली, तो मैं आपको कह रही हूँ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, चेन्नई, अमरावती, ये सारे अलग अलग म्यूजियम्स हैं जिनको विजिट करके इनके बारे में स्टडी किया जाता है. इफ यू वॉन्टेड डीपर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको इसमें हायर स्टडीज करना है, सो दीज आर द म्यूजियम दैट इज अ मस्ट विजिट फॉर यू टू स्टडी ऑल दीज प्लेसेस. ओके, तो देवनी मोरी गुजरात में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूपा साइट है. ओके, बाकी स्टूपा साइट्स
में से देवनी मोरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूपा साइट है। सब्सिक्वेंट सेंचुरीज में स्कल्पचर्स का बहुत कम वेरिएशन हुआ, मतलब जैसे स्कल्पचर बनाए जा रहे थे वैसे के वैसे वो बनते जा रहे, बहुत लंबे समय तक वैसे ही वो बनते रहे, तो वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। नाउ लेट्स कम टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन साउथ इंडिया। अभी हमने सारा नॉर्थ इंडिया का पढ़ा, यूपी, मथुरा, पंजाब, ऑल दीज प्लेसेस हमने इनके बारे में, भरूच, मध्य प्रदेश वगैरह, यहां तक हमने पढ़ा सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। अब साउथ इंडिया की बात करें तो क्या था वहां पे, कैसे स्कल्पचर थे, क्या था, हाउ वॉज इट। ओके सो ओके अब हम जब साउथ इंडिया की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में वेंगी, जगहपेट्टा, अमरावती, भट्टीप्रोलु, नागार्जुनकोंडा, गोली, यहाँ पे बहुत सारे स्तूपा साइट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। और अमरावती में महाचैत्य, महाचैत्य मतलब बहुत ही बड़ा लेवल पे हमें देखने को मिलता है, जो कि अब चेन्नई म्यूजियम, अमरावती साइट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, इन सब जगहों पर अभी प्रिजर्व करके डिस्प्ले करा हुआ है। इनफैक्ट ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में भी है। ये भी हुआ था, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ब्रिटिशर्स ने जाके अपने गार्डन या घरों में उनको डेकोरेट कर रहे थे, तो वैसे ही ब्रिटिशर्स मतलब उसको लंदन भी ले जाते थे। तो लंदन के म्यूजियम में भी बहुत ऐसे इंडियन आर्किटेक्चर के पीसेस अभी भी डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि तोरण एट अमरावती स्तूपा, हमने तोरण के बारे में पता, जो गेटवे थे वो पता नहीं कहाँ गायब सा हो गया, वो कोई उठा के उसको ले गया कहीं पे उसको, और उन्होंने एज डेकोरेशन यूज कर दिया। तो बुद्धा की लाइफ से इवेंट्स जो थे, जातक स्टोरीज से उसको डिपिक्ट किया गया था। तो अमरावती स्तूपा के जैसे जैसे अमरावती स्तूपा एक, देर इज एविडेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन द 3rd सेंचुरी BC, इट वॉज फर्स्ट बेस्ट डेवलप इन 1st एंड 2nd सेंचुरी CE। ठीक है, तो मतलब कि अमरावती स्तूपा जो है वो 3rd सेंचुरी BCE में उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका सबसे ज्यादा डेवलप जो है वो 1st और 2nd सेंचुरी CE में, ज्यादा उसका आर्ट सेंटर के जैसे डेवलप हुआ, आर्ट स्कल्पचर्स डेवलप हुए। जैसे सांची में द अर्ली फेज इज डिवाइड ऑफ बुद्धा इमेजेस, बट ड्यूरिंग द लेटर फेज इन द 2nd एंड 3rd सेंचुरी CE द बुद्धा इमेजेस आर कार्व्ड ऑन द ड्रम स्लैब्स एंड आर अदर मेनी प्लेसेस। तो बात हो रही है, अब हम कंपेयर भी करते जा रहे हैं, तो अमरावती में जो स्तूपा है उसमें बुद्धा की लाइफ की बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे सांची में बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज हमें देखने को मिल रहा है, वैसा अमरावती में नहीं देखने को मिल रहा है। ओके, इंटीरियर स्पेस इज इन द कॉम्पोजिशन इज क्रिएटेड बाय डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ द फिगर, जैसे कि सेमी बैक, बैक प्रोफाइल, मतलब बहुत ही अलग अलग पोस्चर्स के साथ। ये देखिए, साइड फेस दिख रहा है किसी का, बैक फेस दिख रहा है किसी का, आधा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे उनका बैक दिख रहा है, यहाँ पे उनका फ्रंट दिख रहा है किसी का आधा, कैसे अलग अलग पोस्चर्स में उनको मुड़े हुए, तिरछे, इस तरीके से दिखाया जा रहा है। स्कल्पचर फॉर्म जो है इस एरिया का, वो इंटेंस इमोशंस, हमें बहुत ज्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। फिगर्स बहुत ही स्लेंडर, दुबले पतले से दिखाए हुए हैं, बेंट दिखाए हुए हैं, और एंड लॉट ऑफ मूवमेंट दिखाया जा रहा है कि बॉडीज आर शोन विद थ्री बेंट्स, दैट इज त्रिभंग, एंड द स्कल्पचर कॉम्पोजिशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एट सांची। तो सांची के कंपेरिजन में जिस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया गया, बॉडी फिगर से देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी किस तरीके से, देखिए पैर का मुड़ना, हाथ का मुड़ना, बैक, और यहाँ पे दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिगर टू अचीव, बॉडी के ऐसे कर्व दिखाना, हाथ ऊपर जा रहा है, पैर ऐसे फोल्डेड है, घुटना ऐसे आगे आ रहा है। सो ये सांची के कंपैरिजन में अमरावती में काफी ज्यादा काफी ज्यादा जो है वो हमें कॉम्प्लेक्सिटी और एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, डायनामिक मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ओके तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस का, मतलब ये क्रिएट करने का आइडिया जो हमें फेमस दिख रहा है अब, तो एब्सोल्यूट अटेंशन हैज बीन पेड टू द क्लैरिटी, उसके साइज कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, उसका रोल कुछ भी हो, हर उसको क्लैरिटी से बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई अगर इतना मेन फिगर नहीं है, साइड फिगर है, तो उसको इतना क्लियर नहीं बनाया। एवरी फिगर इज डिटेल्ड, एवरी फिगर हैज बीन पेड अटेंशन एंड टाइम टू। ओके एंड
बुद्धा की लाइफ, जातक स्टोरी से इवेंट्स हमें देखने को मिल जाती है. बहुत सारी जातक सीन्स ऐसे भी हैं जिनको अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कौन सी स्टोरी को डिपिक्ट कर रहे हैं. ऐसा है क्योंकि हमें उन स्टोरीज का सिर्फ पिक्टोरियल फॉर्म दिख रहा है, उनका रिटर्न फॉर्म कहीं हमें नहीं दिख रहा है. तो जैसे हमें माया देवी का क्वीन माया देवी का ड्रीम दिख रहा है कि कैसे अटेंडेंस उनको केयर के खड़े और माया देवी जो है वो सपना देख रही है. और दूसरे रिलीफ में चार इवेंट्स दिखाए गए जो कि बुद्धा के बर्थ से रिलेटेड है. तो वो बहुत सारे अलग अलग नैरेटिव्स को दिखाते हुए दिखाए गए हैं. नाउ द एनिमेटेड मूवमेंट इन द फिगर्स गेट रिड्यूस्ड इन द स्कल्पचर्स ऑफ नागार्जुन कोंडा. अब देखिए, यू कैन वेरी क्लियरली सी हियर, ये है एट अमरावती, ये है एक नागार्जुन कोंडा. बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो मूवमेंट, जो रिदमिक डायनामिक मूवमेंट अमरावती में दिखाए जा रहे हैं, जो एडवांसमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी अमरावती में दिखाई जा रही है, वो नागार्जुन कोंडा में इतनी नहीं है. गोली और नागार्जुन कोंडा में रिलीफ भी लो रिलीफ है, मतलब बहुत ज्यादा डीपली कार्व्ड नहीं है. सरफेस सरफेस पे कार्विंग हमें देखने को मिल रही है एंड एक प्रोट्रूडिंग दिख रहा है कि अच्छा ठीक है वो बाहर निकलते हुए ऐसा दिख रहा है. बाकी बहुत कुछ काफी प्लेन है, बहुत डिटेल में नहीं है. बहुत क्लियरली यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने से मिल रहा है, ना भी पड़े तो क्लियरली हम देख ही रहे हैं तो उससे ही समझ में आ रहा है. अमरावती में इंडिपेंडेंट बुद्धा की इमेजेस भी हमें देखने को मिली, मतलब जरूरी नहीं कि वो हमेशा किसी स्टोरी का पार्ट ही डिपिक्ट करेंगे. हुए इंडिपेंडेंट भी बुद्धा को दिखाया गया. अब गंतपल्ली इज अ रॉक कट केव साइट नियर एलुरू, स्मॉल एब्सिडल एंड सर्कुलर चैत्या हॉल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड. ओके, विशाखापट्टनम अनकपल्ले जो कि विशाखापट्टनम के नियर है, वहां पर भी हमें रॉक कट स्तूपास देखने को मिले. रॉक कट आप सब जानते ही, हमने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है व्हाट इज रॉक कट आर्किटेक्चर. इफ यू डोंट नो यू कैन ऑलवेज गो टू माई चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड, गो टू द प्लेलिस्ट पेंटिंग क्लास 11 और उसमें चैप्टर 3 पे जाके बहुत ही स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है व्हाट इज रॉक कट आर्किटेक्चर. ओके, तो एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट ऑल दैट. बहुत सारे स्तूपास होने का मतलब ये नहीं है कि कोई टेम्पल या विहार या चैत्य कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था. स्तूपास भी थे, टेम्पल्स भी थे, विहार भी थे, चैत्य भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बहुत अच्छे से एक्सकवेट नहीं हो पाए हैं. तो विहार और चैत्य जितने जितने अच्छे तरीके से स्तूपा आज हमें देखने को मिलते हैं, उतने अच्छे तरीके से चैत्य और विहार सर्वाइव नहीं किए गए हैं. तो लेकिन सांची में, मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विहार इज मेंशन में भी मेड ऑफ दी सांची, जो सांची में एक विहार चैत्य वगैरह है वो हमें देखा. टेम्पल 18 जो कि बहुत ही सिंपल सा टेम्पल है, और ये सांची स्तूपा के पास में थोड़ी दूरी पर ही वो हमें देखने को मिल जाता है. एंड अच्छा, इफ यू मस्ट नो कि आप सांची स्तूपा जो है ना, आपको ट्रेन में भी दिखेगा. अगर आपकी ट्रेन भोपाल के एक पर्टिकुलर ट्रैक से गुजर रही होती है, तो सांची विच इज इन भोपाल, तो आपको वो ट्रेन से ही सांची स्तूपा दिखती है. इनफैक्ट ट्रेन कुछ देर के लिए सांची स्तूपा पे रुकती भी है, तो आप एक्चुअली यू कैन गेट डाउन द ट्रेन, यू कैन गो, मतलब बहुत ही बिल्कुल उतरते ही सांची स्तूपा का हिल है, उसी पर जैसे उसके जैसे बिल्कुल होते हुए गुजारी है ट्रेन को. वो होता है कि ट्रेन वहां पे 2-5 मिनट रुकती है, एक्चुअली लोग जो है वो ट्रेन से उतर के उसको देख के वापस आके बैठ जाते हैं. तो लेकिन वज्रयान बुद्धिज्म जब डेवलप हुआ तो बहुत सारे बोधिसत्व इमेजेस को दूसरी इमेजेस के साथ ऐड कर दिया गया. मतलब कि उनका पहले पर्पस कुछ और था, लेकिन वो बाद में दूसरे आर्टवर्क के लिए उनको पहले की स्कल्पचर्स को उनमें क्लब कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया. अब वेस्टर्न इंडिया में केव ट्रेडिशन, अब हमने नॉर्दर्न की बात कर ली, बहुत कुछ सेंट्रल की बात कर ली, साउथ की बात कर ली, लेट्स कम टू द वेस्ट नाउ एंड लेट्स सी ईस्ट. आई डोंट थिंक कि आपको है. वी हैव अबाउट द अजंता एलोरा केव्स, द एलिफेंटा केव्स, ये सब वेस्ट में ही है. सो वेस्टर्न इज द लास्ट एरिया दैट वी आर गोइंग टू कवर. ओके, अब तीन टाइप्स के हमें एक्सकेवेशंस देखने को मिलते हैं. चैत्य हॉल्स जो कि अजंता पितलखोरा वगैरह में देखने को मिलता है, पिलरी हॉल्स एंड वॉल्ट प्रूफ पिलरी हॉल्स जो कि थाना नदसूर के पास में देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, एंड देन वी हैव द फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल विद अ सर्कुलर चेंबर एट द बैक. ये सब क्या है, ये सब अभी हम आगे देखेंगे.
अब चैत्य हॉल का जो फ्रंट है वो सेमी सर्कुलर चैत्य, उससे वो इस तरीके से डेकोरेट किया गया है, विच इज अ वुडन फिकेड एंड इन सम केसेस देयर इज नो डोमिनेटिंग चैत्य आर्च विंडो। तो मतलब एंट्रेंस पे कोई बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए उसका एंट्रेंस इस तरीके से नहीं बनाया गया है। ओके, एंड ऑल द चैत्या केव्स अस्तूपा एट द बैक इज कॉमन। जितने भी चैत्या केव्स बनाए गए उसके बैक में एंड में एक स्तूपा तो कॉमन है सभी चैत्या में, भाई उनका शेप फिगर कैसा भी हो। 1st सेंचुरी BC में कुछ मॉडिफिकेशंस बनाए गए थे। वेर द हॉल बिकम्स रेक्टेंगुलर लाइक एट अजंता केव नंबर 9 विद अ स्टोन स्क्रीन। अच्छा, अब अजंता केव नंबर 9 इज नॉट गिवन हियर इफ आई एम राइट। सो बेसिकली अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग अजंता एलोरा के ऊपर फोकस करेंगे इन द अपकमिंग, मतलब इन द चैप्टर अहेड, एंड उसमें हम केव नंबर के थ्रू सारी बातें डिस्कस करेंगे। इस केव नंबर में ये है, इस केव नंबर में वो है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एक रीडिंग इसकी लगाएंगे, इसकी रीडिंग वाला पार्ट है, समझने का भी पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है। ऑनेस्टली बिलीव मी दिस इज बेसिक लाइक टेक्स्ट एंड थ्योरी है ये ज्यादा। एंड कार्ला में सबसे बड़ा रॉक कट चैत्य हॉल एक्सकेवेट किया गया था, जिसमें ओपन कोर्टयार्ड है, पिलर्स है, स्टोन स्क्रीन वॉल है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड इस तरीके से उसको बनाया गया है। देन विहार भी है। सो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द विहार्स और दी चैत्यास की कौन से केव नंबर में क्या है। एंड बिलीव मी गाइस, ये बहुत ज्यादा आपको डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट यू कैन ऑलवेज रीड इट, बट एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ इट बहुत लंबा टाइम ले लेगा वो। एंड बेसिकली इसमें इतना है भी नहीं, बिकॉज ये एक एक पर्टिकुलर केव के कुछ कुछ फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है, बता रहे हैं इसमें। चैत्य विहार इन सब चीजों के बारे में। जुन्नार हैज द लार्जेस्ट केव एक्सकेवेशन, मोर देन 200 केव्स यहाँ पे मिली है। कन्हेरी में 180 एक्सकेवेट करे गए हैं। ये और भी इंपॉर्टेंट साइट है। इफ यू कम टू अजंता, नाउ द मोस्ट फेमस केव साइट इज अजंता एलोरा केव्स, हम सभी ने उसके बारे में सुना हुआ है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इसमें 29 केव्स हैं, यहाँ पे 4 चैत्या केव्स हैं, जो कि सबसे पहले अर्लीस्ट 2nd एंड 1st सेंचुरी BC को डेट करते हैं। मतलब बाकी केव्स के कंपैरिजन में केव 10 और 9 जो है वो इतनी पुरानी है। एंड लेटर फेज जो कि 5th सेंचुरी CE, यानी केव 19 और 26, इतनी 5th सेंचुरी, मतलब आप सोच सकते हैं फॉर अप्रोक्सीमेटली 500-600 ईयर्स तक यहाँ पे केव्स में और अंदर काम चला है। एक बहुत बड़े चैत्य और विहारा है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल स्कल्पचर और पेंटिंग के साथ डेकोरेट किया गया है। अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1st सेंचुरी BC। 1st सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी CE में जो पेंटिंग्स बनाई गई थी अजंता केव्स में, वो ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल है। बाकी हर जगह की पेंटिंग्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो बहुत ही ब्यूटिफुली अंदर पेंट किया गया है। नाउ ये केव्स की डिटेल बता रहे हैं, विच इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू कम टू नाउ, तो ये जो पेंटिंग्स बनाई गई, नाउ इन पेंटिंग्स में द लाइन्स आर शार्प, द कलर्स आर वेरी अर्दी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टोन्स यूज करे हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, दिस इज ऑलमोस्ट अ मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग, बस कुछ जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रे कलर से डिपिक किया है, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग लाइक इज मोनोक्रोमेटिक। तो उसमें जो है आपको देख सकते हैं कि कितने अलग अलग एक ही कलर के टोन्स यूज करे हुए हैं। इसके साथ साथ जो भी पेंटिंग्स हैं उनमें हमें एक बोल्ड लाइन देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड लाइन से आउटलाइन किया हुआ है, विच इज डार्क ब्राउन इन कलर। तो ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन, इन कलर्स से उनको पेंट किया गया। और ये मोनोक्रोमेटिक और इस तरीके से, इसलिए कलर्स लिमिटेड थे, बहुत पर्पल, पिंक, इतने वायलेट, इस इतने कलर्स नहीं थे, लिमिटेड कलर्स में इनको पेंटिंग्स करी हुई है। ये जातक स्टोरीज के ऊपर पेंटिंग्स करे हुए हैं, एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग इवेंट्स आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, तो मतलब
जिस जगह की बात कर रही है उस जगह के सारे इवेंट्स को एक पेंटिंग एक स्पेस में इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हमने पेंटिंग्स को और इवेंट्स को इस तरीके से डिपिक्ट किया है एक जगह के हिसाब से, नॉट टाइम बट प्लेसेस. ओके एंड ज्यादातर जो है वो वर्टिकल में हमें स्टैंडिंग फिगर्स मतलब एक वर्टिकल में देखने को मिल रहा है. नाउ कहीं ना कहीं पेंटिंग जो है वो स्कल्पचर से सिमिलर दिख रही है, जैसे कि फ्रंटल नॉट ऑफ द हेड गया है इस तरीके से कि सिर के ऊपर बालों को इस तरीके से बांधा गया है, तो वो स्कल्पचर में हमने पढ़ा था कि वैसा ही स्कल्पचर्स में दिखाया जाए, वही चीज उन्होंने पेंटिंग में भी डिपिक्ट करी हुई है. ये भी देखिए आप, ब्यूटिफुल म्यूरल्स पेंटिंग्स बनाई हुई है यहाँ पर हम अजंता एलोरा केव्स में. ये देखिए ब्यूटिफुल, दिस दिस इज अ सीलिंग, ऊपर का जो पार्ट होता है ना छत वाला रूफ वाला टाइप का पार्ट होता है, वहां पे कितनी ब्यूटिफुली अरेंज करके पेंटिंग्स करी गई है, सब ये बुद्धा की लाइफ के इवेंट्स के बारे में, ब्राउन येलो ब्राउन ग्रीन इस टाइप के ही कलर्स का ज्यादातर यूज किया गया है. एंड पॉपुलेशन को भी अलग अलग मतलब उनकी स्किन टोन को भी अलग अलग कलर्स से कहीं कहीं पर दिखाया हुआ है ताकि उनकी डाइवर्सिटी दिखा सके. ओके समथिंग लाइक रिच एंड पुअर, किंग एंड द स्लेव, इस तरीके से तो डिफरेंट शेड्स का यूज करा गया है टू शो द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमंस. ब्राउन थिक लाइंस का जैसे मैंने आपको बोला फॉर आउटलाइनिंग एंड फॉर कॉन्टूरिंग यूज करी गई है. लाइंस आर फोर्सफुल फुल ऑफ एनर्जी एंड कहीं कहीं पर हाइलाइट्स बनाने की भी, फिगरल कॉम्पोजिशंस में हाइलाइट्स देने की भी कोशिश करी गई है. जैसे यहाँ पर ही हम देख सकते हैं तो इनके फेस में अलग अलग हमें फेस के अंदर ही दिख रहा है कि एक तरीके से शेडो हाईलाइट एंड ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है. अभी यही बता रहे कि कैसे अलग अलग केव्स में किस टाइप की पेंटिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल द थीम्स आर अगेन द जातक्स एंड द अवदंस एंड सिम्हाला अवदन एंड महाजानक जातक, ये सब अलग अलग जातक स्टोरीज के ऊपर बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे रिलेटेड पेंटिंग्स देखने को मिल रही है. ये पेंटिंग्स की स्टोरी थी छदंत, क्या छदंत के बारे में उनकी स्टोरी, कैसे वो अपना खुद का टस्क निकाल के दे रहे हैं. छदंत इज द एलिफेंट एंड वो जातक की जिसमें वो एलिफेंट बनता है, तो ऑल दीज. ओके नाउ अजंता में बेसिकली मतलब आप एक रीडिंग लगाइए, आपको बहुत ज्यादा ये डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं. केव 9 में क्या है, केव 10 में क्या है, नॉट ऑल दैट. एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि केव्स में जो पेंटिंग है वो कैसे, लाइंस आर रिदमिक पावरफुल वेयर ब्यूटिफुली डॉन, मिनिमल कलर्स आर यूज, एक ही कलर के डिफरेंट टोन यूज करे हुए हैं, कैसे उनको आउटलाइन किया गया है विथ ब्राउन कलर डार्क ब्राउन कलर से एंड हाईलाइट देने की कोशिश की गई है एंड द इवेंट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन. इस तरीके से अजंता के बारे में आपको बेसिक उनकी मतलब वो होना चाहिए. यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इस केव में क्या था, जैसे टेक्स्ट में दिया हुआ केव नंबर 9 हैज दिस, केव 10 हैज दिस, उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए. नाउ व्हेन वी कम टू एलोरा, इज अजंता एलोरा पास में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड 100 किलोमीटर फ्रॉम अजंता एंड इट हैज 34 बुद्धिस्ट ब्राह्मणिकल और जैन केव्स. तो इसमें बुद्धिस्ट जैन सभी केव्स हमें देखने को मिलती है, उनके आर्टवर्क देखने को मिलते हैं. एंड अब देखिए बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म के दो डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को इसमें मिल रहे हैं. एंड इसके साथ साथ तो जैन केव्स भी हमें देखने को मिल रही है, ब्राह्मणिकल केव्स भी है, बुद्धिस्ट केव्स भी है, बहुत सारे केव्स है वो शैविज्म को भी डिवोटेड है, मतलब शिव और विष्णु के भी बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे हमें फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं. जैसे ये गजेश्वर शिवा का एलोरा केव में हमें देखने को मिल रहा है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल मतलब अमेजिंग स्कल्पचर, कितना बिग एंड ब्यूटिफुली कार्व्ड है एंड इट्स हाइट इट्स ऑलमोस्ट द होल वॉल, मेजेस्टिक बिग, बहुत ही मॉन्यूमेंटल सा वो है, ऐसा लग रहा है कि इसको देख के इट्स समथिंग लाइक मैजिकल ऑलमोस्ट. एंड हैवी इमेजेस, थोड़ा हाई रिलीफ का यूज करा हुआ है यहाँ पे. एंड
सो बेसिकली यही इसी बारे में बताया जा रहा है. बट यस, वन थिंग इज यू रीड इट वंस, इसके पॉइंट्स बना लीजिए. एंड बेसिकली ये कि सभी केव्स के मिला के कलेक्टिव, यू वोंट बी आस्क्ड ओके केव नंबर 9 में क्या था, केव नंबर 10 में क्या था, एंड यू डोंट नीड टू राइट इतना डिटेल में ऑल्सो. नाउ एलिफेंटा केव्स एंड अदर साइट्स, अजंता एलोरा के जैसे एलिफेंटा केव्स भी है, एंड कर्नाटका बादामी ऐहोली, दीज आर ऑल्सो, मतलब साउथ इंडिया में भी जो है जैसे एलिफेंटा केव्स जो है वो दीज आर दैट दोज आर इन साउथ इंडिया. तो हमने अब हम साउथ इंडिया में जो केव्स वगैरह है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, एंड केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया. तो जैसे वेस्टर्न इंडिया में बुद्धिस्ट केव्स इज ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, मेनली इन द क्वेश्चन. ईस्टर्न इंडिया में भी मिले हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह, इन जगहों पर भी हमें केव्स, तूपास विहार, चैत्यस, इनका एक्सकेवेशन हुआ है. एंड दीज आर बेसिकली प्लेस नेम्स, गुंतपल्ले, अनकपल्ली नियर विशाखापट्टनम एंड भुवनेश्वर. जैन रिलीजन से रिलेटेड भी है. मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आंध्र प्रदेश वगैरह में भी बहुत जैन टेम्पल्स भी, पुराने पुराने चोलास एंड पांड्यास के बनाए हुए जैन टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, विच आर वेरी ओल्ड एंड ब्यूटिफुली डन. एंड केव्स जो है वो जैन मॉन्क्स के लिए भी थे कि वो वहां पे आके रेस्ट कर सके, एंड दे वर ऑल्सो फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड उन सभी रिलीजन से के लिए थे. नाउ सांची स्तूपा की स्टडी हमने कर ही ली है ऑलरेडी, एंड सांची स्तूपा के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि उसके क्या क्या पार्ट है, हर्मिका, अंडा, छत्र, वेदिका, मेधी, तो तोरण्स एंड प्रदीक्षिणा पथ, जो कि हम ऑलरेडी चैप्टर में कर चुके हैं. नाउ द सीटेड बुद्धा एट कात्रमाउंट मथुरा, दिस इज इन आवर स्टडी. एक ये चीज है, वी ऑल्सो हैव द बुद्धा एट ऑफ तक्षशिला, वी ऑल्सो हैव द सीटेड बुद्धा एट सारनाथ. अच्छा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, सीटेड बुद्धा एट सारनाथ एंड सीटेड बुद्धा एट कात्रमाउंट मथुरा, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों सीटेड है, दोनों में इसी तरीके से ऊपर दो ये बोधिसत्व यक्ष हुएवर दे आर इनको बनाया हुआ है, तो बहुत सिमिलैरिटीज है दोनों में, लेकिन दोनों है स्टडी में. वी ऑल्सो हैव दिस पद्मपाणि बोधिसत्व विच इज अजंता केव नंबर 1 इन आर स्टडी. देन वी डोंट हैव दिस मारा विजय इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वी ऑल्सो डोंट हैव दिस, वी डू हैव दिस महेश मूर्ति, दैट इज त्रिमूर्ति, एंड वी डोंट हैव दिस. ओके, दिस इज इट. तो ये 5-6 स्टडीज है, लेट्स क्विकली फिनिश दीज अप. एंड दिस चैप्टर इज अ बिट लॉन्ग एंड लेंदी, थोड़ा सा मैटर भी इस चैप्टर में ज्यादा है. एंड इसके इसके यू नो द बेस्ट वे टू स्टडी ऑल दीज इज जस्ट विजिट द नेशनल म्यूजियम न्यू डेली. मैं अभी तक जो म्यूजियम्स हमें बताए गए सारनाथ वगैरह की, उसमें से मैं सिर्फ न्यू डेली के जा पाई हूँ. आई वॉज मेस्मराइज्ड, माई माउथ वॉज नॉट एबल टू क्लोज शट, क्योंकि मैं पूरे टाइम आई वॉज लाइक गैस्पिंग एट इट. अमेजिंग वर्क, अमेजिंग रिप्रेजेंटेशन. सो मथुरा हमने पहले भी पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अच्छा आर्ट सेंटर था, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस डेटिंग बैक टू द कुशान पीरियड मथुरा से, में बहुत लंबे समय से मथुरा से आर्ट प्रोडक्शन किया जा रहा है. एंड द इमेज ऑफ द बुद्धा फ्रॉम द कात्रा माउंट बिलोंग्स टू द 2nd century BCE. तो अब हमें इनके नाम वगैरह से याद रखना पड़ेगा. नेम इज द सीटेड बुद्धा एट कात्रा माउंट, प्लेस इज मथुरा, टाइम पीरियड इज 2nd century CE. इसमें बुद्धा को दो बोधिसत्वों के साथ दिखाया जा रहा है. बुद्धा जो है वो पद्मासन में बैठे हुए हैं, अगेन सारनाथ वाले भी पद्मासन में ही बैठे हुए हैं. राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा में है, इस तरीके से. ये देखिए, अभय मुद्रा इज लाइक गिविंग ब्लेसिंग, इस तरीके से मुद्रा में. ओके, लेफ्ट हैंड जो है वो थाई के ऊपर रेस्ट कर रहा है. देयर इज अ उष्णिषा, दैट इज द हेयर नॉट. नाउ दिस इज कॉल्ड द उष्णिषा, जो कि अगेन सारनाथ के बुद्धा में भी इंक्लूडेड है. ओके, द यू नो दे हैव फ्लैशी बॉडी, राइट वॉल्यूम देखिए फेस, और ये काफी प्लम्प एंड फ्लैशी एंड राउंड सा दिख रहा है. देन द संगठी और द गारमेंट कवर्स द ओनली वन शोल्डर, बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल है, जो कि लेफ्ट हैंड को कवर कर रहा है और टॉर्सो को कवर करके अक्रॉस द बॉडी ले जा रहा है. एंड द वॉल्यूम ऑफ द गारमेंट इज रिड्यूस टू द बॉडी. द बुद्धा इज सीटेड ऑन अ लायन थ्रोन, एक लायन थ्रोन इस तरीके से देखिए, ये थ्रोन के नीचे ये एक लाइन इधर, एक लाइन इधर एंड एक लाइन इधर, इस तरीके से वो लायन थ्रोन के ऊपर है. यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिल रहे हैं. दे आर सराउंडेड बाय बोधिसत्वास एंड ऊपर यक्ष यक्षिणी भी हमें एयर में उड़ते हुए दिख रहे हैं. देयर इज ऑल्सो हैलो अराउंड एंड हैलो के आसपास भी वेजिटल मोटिव्स, लीव्स एंड उनसे भी डेकोरेशन किया गया है. And I think and geometric motifs से decorate किया गया है हेलो को. दो फ्लाइंग फिगर्स भी हमें दिख रहे हैं, बहुत ही मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है.
curves of the body are very delicately carved. The Buddha's posture is very upright and face is fleshy, round cheeks, bulge of the belly, controlled musculature, मतलब एक breathing को दिखा रहा है, meditative form में दिखाया गया है. एंड कैसे बुद्धा को डिपिक्ट किया जाता था, इसकी स्टडी के लिए ये स्कल्पचर जरूरी है कि हाउ बुद्धा वॉज डिपिक्टेड ओवर टाइम फ्रॉम सिम्बल्स टू द ह्यूमन फॉर्म. द बुद्धा एट फ्रॉम तक्षशिला, इट हैज अ ग्रीक इन्फ्लुएंस. ये गांधार रीजन से था जो कि अब पाकिस्तान में है. इट डेट्स बैक टू द सेकेंड सेंचुरी सी, सेम टाइम पीरियड, कुशान पीरियड का है ये. इसमें यू नो ग्रेको रोमन एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं. बुद्धा का हेड जो है वो हेलेनिस्टिक एलिमेंट जैसे आईज एंड लिप्स एंड फेशियल फीचर्स में हेलेनिस्टिक देखने को मिल रहा है. बुद्धा के बाल बहुत ही थिक और कर्व दिखाए गए हैं और वो कैसे उष्णीष टाइप मतलब एक नॉट में बंधे हुए हैं. फोरहेड प्लेन है एंड आई बॉल्स जो है दे आर वेरी राउंड एंड बल्जी टाइप का हाफ क्लोज है जैसे मेडिटेटिव फॉर्म में है. चीक्स जो है वो राउंड नहीं है, देखिए राउंड और प्लम्पी सा फिगर हमें देखने को जो है वो नहीं मिल रहा है जैसे अदर पार्ट्स में मिलता है बिकॉज इट हैज अ ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस. एक फिगर में हैवीनेस है, गांधार रीजन से है ये. द ईयर्स आर इलोंगेटेड स्पेशली द ईयर लोब्स, ये देख सकते हैं आप ईयर लोब्स को यहाँ पर कैसे इलोंगेट करके बनाया गया. तो दिस इज समथिंग एंड देयर इज द फेस इज वेरी काम ब्यूटिफुली, द एक्सप्रेशन इज शोन ब्यूटिफुली, सिंपल येट अट्रैक्टिव. लाइट और डार्क का इंटरप्ले बहुत अच्छा दे रहा है. कर्विंग बहुत अच्छे से की हुई है, आईब्रोज आर्च्ड है, राउंड है. लिप्स भी काफी ब्यूटिफुली, लिप्स एंड नोज आर वेरी रियलिस्टिक, वेरी ब्यूटिफुली ड्रॉन एंड आई मीन ऑलमोस्ट दिस इज इट, दिस इज द स्टडी फॉर इट. ओके एंड नाउ वी हैव द सीटेड बुद्धा एट सारनाथ. दिस इज वेरी सिमिलर टू द कात्रामाउंट मथुरा वन. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप डिस्टिंग्विश करना चाहिए आपको. दिस बिलोंग्स टू सारनाथ फ्रॉम द 5th सेंचुरी सीई एंड ये म्यूजियम सारनाथ के म्यूजियम में है. इसको चूनर सैंडस्टोन में बनाया गया है. ये थ्रोन के ऊपर पद्मासन में बैठे हुए हैं. ये धम्म चक्र प्रवर्तन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसमें देखिए यहाँ पर भी ये व्हील को दिखाया गया है पद्मासन के नीचे जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं. तो ऑल्सो बहुत ही outlines are delicate, rhythmic, folded legs and drapery दिखाई गई है. Face is round, eyes are half closed, lower lip is protruding, नीचे का जो lip है वो थोड़ा सा protrude करता हुआ दिखाया गया है. Cheeks की roundness clear थोड़ी सी कम हुई है कुशान period के पहले images के comparison में. Hands जो है वो धम्म चक्र प्रवर्तन में दिखाए गए हैं. And उशनिशा which is again the tying of the knot above the head, ये भी दिख रहा है हमें. And hands जो है वो एक again थोड़ा से अभय उत्तरा में fingers delicately carved है. halo हमें दिख रहा है, softness दिख रही है, transparent drapery दिख रही है. अच्छा नीचे जो है वो भी हमें छोटे छोटे carvings दिख रहे हैं. some like bodhisattva and all are sitting. ये धम्म चक्र प्रवर्तन wheel है बनाया गया है. ऊपर भी एयर में दो फिगर्स दिख रहे हैं. हेलो के आसपास भी बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक कार्विंग्स की गई है. साइड में जो है वो हमें एनिमल्स भी दिख रहे हैं. दे आर लाइक हॉर्स और लायन और समथिंग, ये एनिमल्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिगर एंड द फेस फेशियल एक्सप्रेशन आर वेरी सीरीन एंड ऑल. Next we come to the Padmapani Bodhisattva which is from the Ajanta cave. Now the Padmapani Bodhisattva is a mural. इसमें अब हम इसकी अगर स्टडी करें प्लेन फिगर है. इट्स ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक, कहीं कहीं ब्लू के शेड्स व्हाइट के शेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं. बाकी पूरी पिक्चर येलो एंड ब्राउन के टोन्स में बनाई गई है. द आईब्रोज आर आर्च्ड लॉन्ग एंड एलंगेटेड एंड दे आर कनेक्टेड टू इच अदर जैसे कि यू नो बो के जैसे फॉर्म में है. द हेड गेयर इज वेरी ह्यूज एंड मेजेस्टिक एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड. डिटेल्स दिख रही है. द आईज आर एलोंगेटेड एंड हाफ क्लोज एंड द फेशियल एक्सप्रेशन इज लाइक ऑफ बहुत ही कुछ गहरे चिंता में है, कुछ चीज सोच रहे हैं ये. होल्डिंग अ लोटस इन वन हैंड, इट्स इज अ फ्लावर इन वन हैंड, देन ऑल्सो वेयरिंग अ पर्ल नेकलेस अराउंड एंड जनेयू टाइप मतलब कुछ एक थ्रेड टाइप उनके शोल्डर से क्रॉस करते हुए दिख रहा है. आर्म पे कुछ बंधा हुआ दिख रहा है.
द बैकग्राउंड हैज वेरी मच गोइंग ऑन एंड आई थिंक पीछे ये फायर वर्क्स और ट्रीज और समथिंग या ट्रीज एंड लीव्स दिखाई गई है. एनिमल्स आर शोन इन द बैकग्राउंड एंड इट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ बुद्धाज लाइफ वेयर आई थिंक ही इज थिंकिंग एंड कंटेम्पलेटिंग कि वेदर टू लीव हिज फैमिली बिहाइंड और नॉट. तो इस वजह से इस तरीके से उनकी एंड मोर यू कैन रीड हियर मतलब यू नो शार्प नोज एंड उनके बारे में बट ये बेसिक उसका एक स्टडी हम लोग कर रहे हैं. नाउ वी डोंट हैव द मारा विजय एज लॉन्ग एज आई एम कंसर्न्ड. वी ऑल्सो हैव द महेश मूर्ति. आई थिंक दिस इज द लास्ट वन द महेश मूर्ति. नाउ द महेश मूर्ति ऑल्सो नोन एज थ्री मूर्ति इज प्रेजेंट इन द एलोरा केव्स सॉरी एलिफेंटा केव्स एंड इसका कहाँ पर है हियर इट इज एंड let me just a minute. Okay, let me just reverse it here. Okay, Mahesh Murthy, and it dates back to early 6th century CE, and Deccan में ये बनाई गई है. ये महेश के तीन रूप के बारे में बता रहे हैं. The central main head is Shiva, और the other two are Bhairav and Uma. तो central face जो है वो बहुत ही relief and high relief में बनाया हुआ है. इट्स वेरी काम इन अ मेडिटेटिव फॉर्म. थिक लिप्स है, हैवी आईलिड्स है, द लोअर लिप इज वेरी प्रोट्रूडिंग एंड सॉफ्ट मॉडलिंग की हुई है, स्मूथ फेस है पूरा. नाउ शिवा भैरव जो है, द भैरव वन इज द एंग्री फॉर्म ऑफ शिवा. हमें त्री मूर्ति है ना, तो शिवा के तीन रूप दिखाए गए हैं. तो वन इज द काम मेडिटेटिव वन हु इज लाइक द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. द सेकेंड इज द एंग्री वन जो कि द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स है. ओके एंड द नेक्स्ट इज द उमा जिसमें उसके उनके शिवा के फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाया गया है. हु इज द कंसर्ट ऑफ शिवा एंड दिस इज द थ्री मूर्ति और ऑल्सो नोन एज द महेश मूर्ति. ईच फेस हैज अ डिफरेंट क्राउन मतलब हर का एक क्राउन आप देख सकते हैं अलग अलग है. तीनों फेसेस के क्राउन अलग अलग है. ये अलग है, ये क्राउन अलग है और ये क्राउन अलग है. ये उनका भैरव रूप है, ये उनका शिवा का सॉफ्ट मेडिटेटिव रूप है एंड दिस इज द उमा रूप जो कि फेमिनिन फीचर्स को डिपिक्ट कर रहा है. एंड द स्कल्पचर इज ब्यूटिफुली कार्पेट यू नो स्कल्प्टेड. इट इज मेजेस्टिक, इट इज अमेजिंग एंड द कंपोजिशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. हाई रिलीफ में बनाया गया है. टू शो थ्री फेसेस फ्रॉम द सेम रॉक इज वेरी डिफिकल्ट एंड द आर्टिस्ट वर एबल टू अचीव दैट. सो इट इज इट रियली शोज द हाई क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ एंशियंट इंडिया. And with this, this chapter is finished. For more such chapters, you can always visit the YouTube channel Demystified. Thank you. Keep watching, like, share and subscribe.